अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपको खबरों से अपडेटेड रख सकें। खबर सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय से है, जहां महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को आयोजित भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। विपक्षी दल कांग्रेस, राजद, सीपीएम और सीपीएमआई के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि किसान केवल अपनी फसल की मूल्यों के लिए अथवा खेत बचाने के लिए लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ रहे, बल्कि सही मायने में देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही कामरेड मुंशी सिंह ने कहा कि 10 महीने से देश के लाखों किसान ठंडी, गर्मी एवं वर्षा का सामना करते हुए मोदी सरकार के 3 काले कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर धरना दे रहे हैं। इस आंदोलन में 600 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों को अनदेखी कर किसानों को देशद्रोही साबित करने में लगा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार विपक्षी दल के नेता शहर में घूम घूम कर दुकान बंद कराते नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं विपक्षी दल के नेता। आज आप लोग भारत बंद किए हुए हैं, क्या कारण है? सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं, वो किसानों के खिलाफ है। किसान इन कानूनों को अपने लिए जवाहर मानते हैं और इन किसानों कानूनों को पास किया गया, किसानों से कोई बातचीत नहीं की गई, संसद में चर्चा नहीं की गई, चुपे कानून बना लिया गया है और पूरा हिंदुस्तान के किसान इन कानूनों को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के आसपास 5 जगह पर लाखों लाख किसान आज 10 महीना से डटे हुए हैं। इन किसानों में 500 से अधिक किसान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, फिर भी सरकार कान पर तेल डाल करके बैठी हुई है, कोई हरकत में नहीं आई है। पूरा विश्व में इस काम को लेकर के हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। संसार के लोग पूछते हैं कि तुम किस किसान के हित के कानून बनाए हो, और किसान कहते हैं कि हमारे लिए डर है तो क्यों नहीं वापस ले लेते हो। इसी बात को लेकर के पूरा संसार में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। अभी अभी मोदी जी गए थे अमेरिका, वहाँ भी वहाँ के राष्ट्रपति ने स्वागत नहीं किया, वहाँ के लोगों ने पूछा कि आप क्यों किसानों के खिलाफ कानून बनाए हैं, किसान नहीं चाहता है तुम कानूनों को वापस ले लीजिए, और उसी लिए किसानों के पक्ष में आज सारा भारत बंद है और महाराजगंज भी बंद है। हम लोग बंदी के सिलसिले में आज सड़क पर घूम रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि बंद में हिस्सा लीजिए और महाराजगंज के जो महाराज का जो चरित्र है कि जब भी राष्ट्रीय आंदोलन होता है महाराजगंज में आगे आगे रहता है, और इस आंदोलन में भी महाराजगंज ने अपने चरित्र का प्रदर्शन किया है और महाराजगंज पूरी तरह बंद रहा है। आज आप लोग भारत बंद करवा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, आज भारत बंद का जो किसान संयुक्त किसान संगठन के तरफ से आह्वान हुआ है भारत बंद करने का, किसानों की मुख्य मांगे हैं जो 3 कृषि कानून हैं वो कानून केंद्र सरकार वापस ले, मोदी सरकार वापस ले और MSP का गारंटी करे, जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है वो सरकार उसको कानूनी गारंटी करे। इन्हीं मांगों को लेकर के आज भारत बंद हुआ है और इस बंद में देश का जो भी विपक्षी दल है वो सब करी। अगर जो भी सरकार है, अगर आप लोग की बात मानने को अगर नहीं माने तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, कल ही किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत ने कहा है कभी तो आंदोलन 10 महीना हुआ, अगर 10 वर्ष भी चलेगा तो हम लोग इस आंदोलन को चलाएंगे, लेकिन इस सरकार को हम लोग छुटा करके रहेंगे, इसको बाध्य कर करके रहेंगे और आने वाले चुनाव में सरकार हिसाब जनता हिसाब करेगी सरकार का। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को, मोबाइल नंबर 7462862592।